फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा के बारे में, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अश्वगंधा के गुण क्या हैं, किन किन रोगों में यूज किया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा के अनगिनत फायदे भी हैं, तो आज हम सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन ज्यादा लेना भी नुकसान दे सकता है, तो इसी के सबके फायदे और नुकसान के बारे में हम बात करेंगे और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। जो ये मेरे पास है, ये टेबलेट के फॉर्म में है, जो हिमालय कंपनी की है और कोई दूसरी कंपनी की भी आप ले सकते हैं जो इजीली अवेलेबल हो। इसमें आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन बहुतों को पाउडर फॉर्म नहीं लिया जाता, यानी कि पाउडर लिया नहीं जाता है, तो आप इसको टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत असरदार होती हैं। अश्वगंधा को हाइपरटेंशन में भी लाभकारी माना गया है। इसके लिए अश्वगंधा के डेली यूज से आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से काफ़ी फायदा होगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर यानी बीपी अगर कम रहता है, तो आपको अश्वगंधा लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ कंसर्न जरूर करना है। अश्वगंधा जो है वो नींद न आने की समस्या को भी दूर करता है। जिन्हें गहरी नींद नहीं आती है, उन्हें अश्वगंधा को ले सकते हैं, जिसे अश्वगंधा नींद लाने की दवा की तरह काम करता है। अश्वगंधा में ट्राइथिलीन ग्लाइकोल नाम का कंपाउंड होता है, जो पर्याप्त और सुकून भरी नींद लेने में सहयोग करता है। इसके अलावा पेट से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करने में मदद करता है। जो अश्वगंधा है वो हमारे तनाव को यानी स्ट्रेस को भी कम करता है। अगर आप ज़्यादातर तनाव जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तनाव, चिंता, कारणवश तनाव, मानसिक समस्या, तो जो अश्वगंधा है उसके सेवन करने से जितने भी आपके स्ट्रेस हैं वो दूर हो सकते हैं और इसमें बहुत काफ़ी मदद मिलती है। अश्वगंधा में एंटी स्ट्रेस प्रभाव सीटो इंडोसाइड्स और एसाइलेटरी ग्लूकोसाइड्स नाम के दो कंपाउंड होते हैं, जो कि बहुत फायदा पहुंचाते हैं। अश्वगंधा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मददगार होता है। अश्वगंधा का सेवन करने से दिल संबंधित बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। इसके सेवन से दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। जो अश्वगंधा है वो डायबिटीज के खतरे को भी कम करता है। आजकल जो डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसके बहुत सारे पेशेंट्स मिलते जा रहे हैं, तो आप इसमें अश्वगंधा ले सकते हैं और अश्वगंधा जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। जो अश्वगंधा है वो लीवर के रोगों में भी काम आ सकता है। अश्वगंधा में पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी गुण लीवर में होने वाली सूजन की समस्या को दूर करने में सहायक होता है। ये सूजन कम करता है। अगर रात में सोने से पहले दूध के साथ इसका सेवन किया जाए तो काफी फायदेमंद होगा। यह फैटी लीवर की समस्या को भी कम करता है। इसके सेवन करने से लीवर को हानिकारक टॉक्सिन्स के बुरे असर से बचाव करता है और लीवर को डिटॉक्स भी करता है। जो अश्वगंधा है वो कैंसर से भी बचा सकता है। वैसे तो कैंसर का इलाज अभी होने लगा है, तो जो अश्वगंधा है वो कैंसर की रोकथाम में भी मदद करता है। कई रिसर्च में यह दावा किया हो गया कि अश्वगंधा कैंसर सेल्स की ग्रोथ और प्रोडक्शन को कम करता है। इसमें मौजूद एंटी ट्यूमर गुण वैकल्पिक उपचार के लिए काफी अच्छा माना गया है। इसमें एक ऐसी शक्तिवर्धक औषधि मौजूद है जो पुरुषों में यौन क्षमता को दुरुस्त करने में मददगार होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अश्वगंधा के कितने सारे गुण हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं या प्रोविजन स्टोर से भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो आप लेके हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।